देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा से हम आम की खट्टी मीठी लौजी बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टिंग भी लगता है। तो गर्मी के सीजन में, जब आम का सीजन होता है, तो हर गर्मी के सीजन में बनाते हैं। आप साल भर भी रख सकते हैं, कभी भी बना कर खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डायस विद परी के चैनल में आप सभी के वेलकम है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम चार आम लिए हैं। तो इसको हम चार आम लिए थे, इसको अच्छे से पहले छीलेंगे। आम को पहले हम धो लिए थे, तो इसको देखिए अच्छे से हम छील रहे हैं। छिलका पहले छील लेंगे। देखिए हम छील रहे हैं इसको। तो आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, एकदम आसान तरीका है बनाने का। देखिए ये आम अच्छा छिलके भी रेडी हो लगता है चुका है खाने में। फ्रेंड्स। तो इस देखिए आम आम ने को तो अच्छा काटने भी जा रेडी हो रहे हैं, चुका है। तो कैसे अभी इसको हम काटेंगे तो काटेंगे देखिए। आम के, क्योंकि आम में ना अभी सन ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा है। तो आम बहुत अच्छे तो से अच्छे पक से जा रहा इसको है ना, काट लें। ज़्यादा हो जाता है तो कटने में बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड्स। देखिए सब आम को हम काट रहे हैं, पहले देखिए काट रहे हैं। चाकू से थोड़ा काटने में मुझे दिक्कत होता है ना, क्योंकि हम चाकू से सब्जी नहीं काटते हैं, इसी कारण। देखिए सब आम को काट रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए बीज को हम बाहर निकाल दिए हैं। तो देखिए इतना अच्छा से आम को हम काट रहे हैं, सबको काटेंगे इसी तरह। तो देखिए कट रहा है। आप छोटा भी पीस कर सकते हैं, बड़ा भी पीस कर सकते हैं। हम थोड़ा बड़ा बड़ा पीस कट रहे हैं, क्योंकि बड़ा पीस देखने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा आम कट के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इतना अच्छा से पूरे आम को काट लिए हैं, बड़ा बड़ा पीस काटे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए हम पानी में रख लिए हैं इसको। तो इसको पानी से हम धो के निकालेंगे। तो देखिए हम इसको पानी से धो के निकाल लिए फ्रेंड्स। इसको थोड़ा हम ऐसे ही रहने दे देंगे, थोड़ा देर के बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बना के दिखाते हैं आप लोग ने। आपका रेडी हो चुका है, तो चलिए अब कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें हम तेल भी डाल दिए, तेल भी गर्म हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या क्या रखेंगे सब आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 2 सूखा मिर्च लिए हैं, उसके बाद तेज़पत्ता लिए हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा ऐड किए हैं, उसमें देखिए हम थोड़ा सा अजवाइन ऐड किए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम आम को रखेंगे। देखिए आराम से, मेरे पास काला वाला नहीं है, तो काला वाला नहीं रख रहे हैं, क्या मंगरेल बोलते हैं, वो वाला नहीं है मेरे पास, तो हम सिर्फ रख दिए। इसके बाद देखिए आम को डालेंगे। देखिए आम को डाल के इसके बाद अच्छे से इसको भूजेंगे बढ़िया से, सब खट्टी मीठी आम की खट मीठी अच्छा लगती है। यानी कि देखिए आम की हम लौजी बना रहे हैं, यानी कि खट्टी मीठी चटनी। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कुछ भी के साथ आप खा सकते हैं। तो देखिए हम बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में बने रहिए, सब आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए फिर इसमें नीमक ऐड करेंगे, नीमक को डाल दिए। नीमक को डाल कर अच्छे से ढक देंगे, ढकने जा रहे हैं इसको। नीमक डाल तो इसमें नीमक डाल दिए, तो हल्का सा इसको ढक के, इसमें हल्का सा ढक के इसको अच्छे से सिझाएंगे उसको। एकदम तेज़ आँच पर नहीं, मीडियम मीडियम गैस पर सिझाएंगे, तेज नहीं करेंगे, कि धीरे धीरे सीझेगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नीमक रखे थे कितना अच्छा बन गया। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। देखिए हम गुड़ को ऐड करेंगे। देखिए फिर गुड़ को हम ऐड कर दिए। देखिए फिर हम गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स कर रहे हैं, इसको धीमी धीमी गैस पे बनाएंगे, क्योंकि तेज नहीं करेंगे। देखिए अब इसमें कलर भी आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा से हम इसमें गुड़ को मिक्स हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको अच्छा से ढक ढक के बनाएंगे, यानी कि कलर आ जाएगा, बहुत सुंदर भी लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है आम की खट्टी मीठी चटनी, या खट्टा मीठा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लौजी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए कलर भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हम अच्छे से ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है खट्टी मीठी लौजी में। देखिए कलर भी आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग भी घर में बनाइएगा खट्टा मीठा आम की खट मीठी लौजी। देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, फुलवाज के साथ देखिएगा फ्रेंड, फुलवाज के साथ देखिएगा। तो देखिए शेयर भी कीजिएगा,
ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, आगे की रेसिपी और ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए आम का जो आम था, तो देखिए कितना अच्छा से सीज गया हुआ है, या कि बन गया हुआ है। देखिए कितना अच्छा बना है आम का, खट्टी मीठी खट्टी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी यम्मी देखने में फ्रेंड्स। तो आप लोग भी घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने का, एकदम आसान तरीका है, घर के बना हुआ एकदम अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर भी आ चुका है मेरा खट्टी मीठी आम की ब्लाउजी में। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, हम जैसे बनाएं वैसे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर में बनाने का, एकदम आम का खट्टी मीठी रेशमी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। एक बार बनाइएगा तो आप लोग अंगड़ी चाट चाट के खाते रहिएगा, रोटी या चावल या कुछ भी के साथ खा सकते हैं आप आम का बना के, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। हम लोग हर आम की सीजन में बनाते हैं, आप साल भर भी रख सकते हैं इसको, ख़राब नहीं होता है, एक साल भी रख के आप इसको खा सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है ना, इसमें हम पानी बिल्कुल मिक्स नहीं किए, बिना पानी के बनाए ना, पानी वाला ख़राब हो जाता है, तो हम बिना पानी के बनाए। देखिए कितना अच्छा है बन के रेडी है मेरा आम की खट्टी मीठी ब्लाउजी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाटी में रख रहे हैं, यानी कटोरी में रख रही है, तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है, इसको सर्व कर रहे हैं, ठंडा होने के लिए रख रहे हैं इसको। तो देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन के रेडी हो चुका है मेरी आम का खट्टी मीठी चटनी। देखिए बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए घर में। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। बाय 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 बाय।